नमस्कार, आप देख रहे हैं सबलाइम न्यूज़। मैं राहत अली खान। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं गया ज़िला के इमामगंज प्रखंड के कोठी थाना की, जो कि अवध किशोर वहां थाना प्रभारी पिछले 2 साल से कार्यरत थे, जिनका विदाई समारोह कल किया गया। उस दौरान समाज सेवी और इलाके के बहुत सारे लोग शामिल हुए, जिसमें समाज सेवी असीम रहमानी, मुशफिक खान, बाबू खान, जहांगीर खान और अन्य लोग थे। उसके बाद मैं बात करूँ तो मंझौली पंचायत के मुखिया प्रत्याशी सह समाज सेवी सनाउल्ला खान और उसके बाद में सलैया थाना के प्रभारी राजकुमार बाबू, ये सारे लोग उपस्थित थे। और उपस्थित रहने के बाद इन्होंने उनके विदाई समारोह किया। उसके बाद में नए थाना प्रभारी उमा शंकरा जी का भव्य स्वागत किया जी। उसके बाद उमा शंकर जी का इन सारे लोगों ने भव्य स्वागत किया और ये तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई, जिन्होंने अपनी बात रखी कि हम तमाम लोग आशा करते हैं कि नए थाना प्रभारी जो कि अच्छी सेवा देंगे और जनता को और जनप्रतिनिधि को मान सम्मान देंगे, क्राइम को रोकेंगे, ऐसी हम सब कामना करते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर हमारे सबलाइम न्यूज़ पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डाल दी ठीक। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। क्या बात है। एक 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 सेकंड चलो गंजन। ए प्रभु हम भले अनपुर करो तो धीरे धीरे एक एक करके आएंगे और अवध किशोर बाबू को माल्यार्पण अर्पित करेंगे। रंजन हो गया जी सर। चलिए अभी आप पीछे हाँ जो माल्या तो कर चुके हैं हफ्ते के लिए और लोगों को दिए। आइए पीछे हाँ जितेंद्र जी, वाहन चेकिंग में 1500 रुपया फाइन है। फोटो छूटे ना, देखिए लेते चलिएगा फोटो, वीडियो कर देंगे, डायरेक्ट स्क्रीन शॉट कर लेंगे। आइए होल्डर साहब आइए। फोटो खींचो सवाल है सर। दीजिए ना मैडम को लेंगे। बहुत प्यार मिला सलाहियों को। हमारे ऑफिसर ने जिस तरीके से पूरे इलाके में और कोठी क्योंकि एकदम कह सकते हैं कि आप सेंसिटिव रहा है और बॉर्डर का एरिया है, उस नदी उस पार आप देखेंगे तो झारखंड है, सबको संतुलन में रखते हुए और जनता को अपना साथी बनाते हुए, और जनता ने ये महसूस किया कि ये थाना प्रभारी नहीं बल्कि ये गार्जियन स्वरूप इन्होंने अपना कर्तव्य। और जिस तरीके से हम लोगों का इस कोठी बाजार और कोठी इलाके का जहां तक भी इनका बॉर्डर खत्म होता है वहां तक ऐसा वक्त गुजर गया कि पता ही नहीं चला कि अवध जी कब आए और इतना जल्दी इनकी विदाई समारोह हो रहा है। और साथ साथ हमारे जो नए अफसर आए हैं इनका हम लोग स्वागत करते हैं तहदिल से और ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमारे गार्जियन स्वरूप और इलाके के और छोटे बड़े लोगों की भावनाओं को समझते बूझते हुए माहौल को और बेहतर से बेहतर बना के रखेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। और पुलिस के साथ जनता और जनता के साथ पुलिस एक दूसरे के साथ है और हमेशा रहेगी।